तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले कि भाई कैंपिंग कैसे की जाती है और कैसे हम अपना टेंट लगाते हैं, कैसे वहाँ पर साफ़ सफाई होती है। और ये देख सकते हैं आप, हम स्टार्ट करते हैं यहीं से वीडियो को और आप देखिए कि कैंपिंग के लिए क्या क्या सुविधाएं करनी होती है। तो सबसे पहले तो हम अपने कैंपिंग के लिए जो वहाँ की साफ़ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंकड़ पत्थर जैसे कुछ भी होता है जिससे कि नहीं अपना टेंट फटने का डर बना होता है। सबसे पहले तो ये हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, लखन भैया है साथ में और मैं हूँ, दोनों भी मिलकर साफ़ सफाई में भिड़े हैं पूरे लगन से। और उसके बाद जो है कि हम अपना जो सामान वगैरह साइड में रख दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जब साफ़ सफाई की है तो वहीं पर टेंट लगाना होता है हमको। तो टेंट लगाने के लिए वहाँ से बैग वैग हटा दिए, साथ में कुछ चाकू तलवार वगैरह है उसे भी साइड में रख कर अब इस टेंट को ओपन करते हैं और यहीं पर टेंट लगाते हैं। तो साफ़ सफाई तो हो चुकी है हमारी, लेकिन अब यहाँ पर टेंट लगाने की बारी है। तो अब टेंट कैसे लगाते उसका पूरा व्यू आप ज़रूर से देखिए, क्योंकि भाई कभी भी आपको भी एक समय आ सकता है जब आप टेंट लगाने की नौबत आए तो आप बिल्कुल से सीख सकते हैं। और ये टेंट जो है हम ना घर पे बनाए हैं PVC पाइप के, UPVC पाइप के बनाए हैं। तो इसका अगर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करना, तो हम टेंट का भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि कैसे बनाए थे, तो उसका व्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने पूरी स्टिक को एक साथ जमा कर लिए और अब उसके साथ में हम एक दूसरे को जोड़ेंगे, जो कि आप देखिए कैसे जोड़ते एक एक करके। ये पूरी स्टिक निकाल लिए, मतलब कुछ साइजों की बनी हुई है स्टिक, तो सभी को एक दूसरे को अब जोड़ना प्रारंभ कर दिए। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं एक स्टिक जो पड़ी है हमने जोड़ दिया और ये दूसरी स्टिक दूसरे की ओर, मतलब ऊपर नीचे जोड़ना है, जो कि पूरा एक टेंट का शेप देना है। तो ये हमें स्टार्ट कर दिए, पहले डंडे जो है टी साइज की नीचे की ओर झुका कर करना होता है, नेक्स्ट है उसके ऊपर में जो बीच का सिरा रख कर, नेक्स्ट जो उधर का टी साइड वाले सिरे पर लगाना होता है। तो ये हो जाता हमारा कुछ टेंट का शेप रेडी। तो ये देखिए आप कैसे करते हैं उसे, मतलब बहुत ही माइंड से बनाया हमने भी इसको और ये बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, कम पैसों में ये बन चुका है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा रहा ये कैंप। तो ये हमारा फाइनली नीचे का भी सेट हो गया और ये ऊपर में एक एल्बो लगाया, मतलब एल्बो नहीं टी लगाया है वहाँ पर। तो टी लगाने के बाद जो है हमने ये वाला भी पॉइंट उसमें लगा दिए, तो ये कुछ इस टाइप का शेप बन जाता है। तो दोस्तों अब बारी आते हैं हमें टेंट इसके ऊपर चढ़ाने की। तो ये हम अभी टेंट को ओपन कर रहे हैं, क्योंकि पूरी स्टिक तरीके से उसको लपेट कर रखना होता है। तो हमने इसको ओपन कर लिया, अब कौन सा साइज़ किधर करना है वो भी सेट कर लिया है। अब इसके अंदर इस जो पाइपों की जो डंडी है उसको सीधा अंदर डालेंगे हम। तो सबसे पहले तो रस्सियाँ पूरी एडजस्ट करके निकाल लेना होता है, क्योंकि रस्सियों को यहाँ पर बांधना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो वो हमने हटा दिए, तो अब इसको अंदर डालेंगे। तो साथ में सपोर्ट है हमारे लखन भाई का, तो वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि सिंगल पर्सन से थोड़ा दिक्कत होता है। तो बाकी कुछ नहीं, मतलब करे लेते ये कि थोड़ा कुछ अलग प्रकार से होता है फिर वो, तो अंदर से स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले तो ये अभी हम अंदर घुसने वाले इसके, देखिए कैसे मजा आती है, मतलब पूरा एक गुफा टाइप बन जाता है। जब फाइनल दोस्तों ये बन जाता है ना, बहुत ही अच्छा व्यू लगता है इसके अंदर का, मतलब लाइटनेस पूरा दूर दूर का चमकता उजारा इसमें देख सकते हैं। तो रात का जो कैंपिंग में मज़ा आता है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है इसका, नाइट कैंपिंग में लाइटनेस लगता है टोटली अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे पास है कुछ खीले, जो कि मतलब हमने रॉड से काट कर बनाए, तो इसको हम ओपन कर ले रहे हैं। और उसके बाद उस जो रस्सियों को देखे होंगे आपने, रस्सियों के पास हम ऐसे उसको बांध के टाइट करने वाले कैंपिंग को। तो ये हमारे पास कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी दो काम में आती है हमको वहीं पर, मतलब एक तो टेंट लगाने के समय वो कुछ साफ़ सफाई के लिए, दूसरा है कि वो टेंट के बाद ये जो ठोकने के लिए वहाँ पर। तो कुछ ऐसा दो प्रकार से हमको यह कुल्हाड़ी काम आती है, एक तो हथौड़े का काम करती है, दूसरा तो हमें कुछ कटाई छटाई लकड़ियों को काटने के लिए। ये देख सकते हैं अभी हम हथौड़े की तरह इसे यूज कर रहे हैं बैक साइड का एरिया, तो ये कुछ हथौड़े का भी काम करती है। तो अब इसमें रस्सी वगैरह बांध देंगे हम, ताकि अपना टेंट जो है पूरे तरीके से शेप में आ चुके हैं। तो ये सब कुछ सीन है।
तो दोस्तों ये जो फाइनली हमारे सामने के तो फ्रंट वाले हो चुके हैं रस्सियाँ बांध के। अभी बैक साइड वाले देख सकते हैं बहुत सारी जो रस्सियाँ होती है, मतलब टोटली 8 रस्सियाँ, सामने में 4 और पीछे में 4 रस्सियाँ हमने एडजस्ट करके बांध दिए। कुछ पीछे की रस्सियाँ है जो ये देख सकते हैं आप। फ्रंट का एरिया है बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई पड़ेगा आपको, तो वो देखना बहुत ही मज़ेदार है। तो नाइट का समय तो बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला नज़ारा, क्योंकि अभी नाइट होने वाली है और आपको थोड़े से टाइम में देखने को मिलेगा जो नाइट का सीन है लाइट लगाने के बाद का। तो गाइज ये वाला सीन बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी देखने को अच्छा लगेगा, तो बिल्कुल देखिए वो भी। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनल जो हमारा कैंप रेडी हो चुका है, और कैंप का कुछ शेप इस टाइप से दिखाई पड़ेगा आपको। तो ये कुछ शेप देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, अंदर का जो नज़ारा है ना अब देख सकते हैं आप कितना ही मस्त लग रहा है वो। तो ऐसा कुछ सीन होता है जो कैंप पर रेडी हो जाता है। तो ये कुछ बाहर का सीन है, और ये हमारा दोस्त अभी रख रहा है अपना जो सामान वगैरह। तो ये अंदर रखने के बाद हम नाइट कैंपिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और इसका फुल वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल पर जाइए और फुल वीडियो भी आप देखिए, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं, हमने पहले ही डाल चुके हैं, तो आप वो देखिए। ये जो है ना पीछे क्या सीन होता है वो आपको बिल्कुल से बताना होता है, क्योंकि आपको लगता होगा कि कुछ कुछ लोगों को लगता है कि भाई आखिर कैसे कैंपिंग होती है, कैसे शूट होता है, कैसे क्या होता है। तो ये हम फाइनली जो स्टिक खड़े हो चुके हैं अपना टेंट रेडी करके।